नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप और उसकी फेमस कंट्रीज़ के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर आप SSB या किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि CDS की प्रिपरेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे यूरोप की कुछ फेमस कंट्रीज़ और उनके कैपिटल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पेन के बारे में। तो जैसा आप देख सकते हैं कि स्पेन, जिसकी कैपिटल मैड्रिड है और उसे बिल्कुल टच करता हुआ यहाँ पर ये पोर्चुगल है। जी हाँ, पोर्चुगल, जिसने पहले गोवा पर एनेक्स कर रखा था पर बाद में वो भारत सरकार ने फ्री करवा लिया। तो पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन है। अब आप स्पेन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ आपको फ्रांस मिलेगा, जिसकी फेमस कैपिटल पेरिस है। जी हाँ, पेरिस, जहाँ पर फेमस एफिल टावर सिचुएटेड है। तो आप इस ऑर्डर में ऊपर आते रहिए और यहाँ से जब आप और ऊपर आएंगे तो आपको बेल्जियम मिलेगा, जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है। फिर बेल्जियम के बाद ऊपर की तरफ नीदरलैंड है, जिसकी कैपिटल एम्स्टरडेम है। अब आप एम्स्टरडेम की लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम सिचुएटेड है और ये आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो आयरलैंड की कैपिटल डब्लिन हो जाएगी और इंग्लैंड की कैपिटल लंदन हो जाएगी। फिर आप एम्स्टरडेम से बिल्कुल एम्स्टरडेम की राइट में देखिए, जी यहाँ पर ये बेल्जियम और एम्स्टरडेम से बाउंड्री टच करती हुई कैपिटल जर्मनी है। ये तो जर्मनी तो आपको याद रहने में आसानी हो सकती है, आप इसको हिटलर से रिलेट कर लीजिएगा। तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन हो जाएगी। फिर इससे ऊपर की तरफ जाइएगा तो आपको डेनमार्क मिलेगा, जिसकी कैपिटल कोपनहेगन है। तो ये सारी कंट्रीज़ घूमने के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप डेनमार्क से ऊपर जाएंगे आपको यहाँ पे बाल्टिक कंट्रीज़ मिलेंगी। यहाँ पर स्वीडन, जिसकी कैपिटल स्टॉकहोम है, उसकी लेफ्ट साइड में आपको नॉर्वे मिलेगा, जिसकी कैपिटल ओस्लो है। ओस्लो में नोबल पीस प्राइज़ दिया जाता है और बाकी सारी पांच नोबल प्राइज़ स्टॉकहोम में दी जाती है। तो स्वीडन से बाउंड्री टच करता हुआ यहाँ पर आपको फिनलैंड मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल हेलसिंकी है। तो आपने देखा कि हम मैड्रिड यानी कि स्पेन से हम ऊपर की तरफ जाते गए, हम फ्रांस पहुँचे, फिर फ्रांस से और ऊपर गए तो हमने ब्रुसेल्स देखा, ब्रुसेल्स के ऊपर गए तो एम्स्टरडेम, जो कि नीदरलैंड की कैपिटल है, फिर उसकी लेफ्ट में यूनाइटेड किंगडम पड़ता है और उसकी राइट में जर्मनी पड़ता है। और जर्मनी के ऊपर हमने चार कंट्रीज़ देखी जो कि लगभग अब हमें याद हो चुकी है। तो जर्मनी से बिल्कुल नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको स्विट्ज़रलैंड मिलेगा। स्विट्ज़रलैंड आपको पता है एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसकी कैपिटल बर्न है और करेंसी यहाँ की स्विस कोरोना है। तो स्विट्ज़रलैंड से जुड़ता हुआ यहाँ पे इटली है। और स्विट्ज़रलैंड के बिल्कुल ईस्ट में देखिए आप, यहाँ पर आपको वियन ऑस्ट्रिया मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल वियना है। तो लगभग अब हमने मेजर कंट्रीज़ कवर कर लिया है। अब आप वियना से ऊपर की तरफ, ऑस्ट्रिया से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको प्राग मिलेगा, जिसकी कैपिटल, सॉरी, चेक रिपब्लिक मिलेगा, जिसकी कैपिटल प्राग है। और ऊपर की तरफ जाएगा तो पोलैंड, जिसकी कैपिटल वॉर्शो है। फिर ये मेजर कंट्रीज़ हो गई हमारी यूरोप की। अब इसकी साइड में देखिए, यहाँ पर यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है, तो जिसकी कैपिटल हो जाएगी कीव। अब इसके ऊपर बिलारूस मिलेगा आपको, जिसकी कैपिटल मिंस्क हो जाएगी। और बिलारूस से सटता हुआ आपको लिथुएनिया मिल जाएगा, लिथुएनिया के ऊपर लटविया और लटविया के ऊपर एस्टोनिया। तो ये आपकी मेजर कंट्रीज़ हो गई है। अब थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ आपको इस्तानबुल मिलेगा। तो इस्तानबुल एक ऐसी सिटी है जिसका आधा पार्ट यूरोप में पाया जाता है और आधा पार्ट एशिया में पाया जाता है। तो ये अपने आप में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सिटी है और ये टर्की में पाई जाती है। और फिर इससे बॉर्डर टच करता हूँ आपको बल्गेरिया मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल सोफिया है। और सोफिया के जस्ट नीचे देखिए ग्रीस, जो कि एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगेन, जिसकी कैपिटल एथेंस मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे अब सोफिया से ऊपर की तरफ जाइए आप, यहाँ पे आपको रोमानिया मिलेगा, जिसकी कैपिटल बुचारेस्ट है। और इसके नीचे यहाँ आपको सर्बिया दिख जाएगा। और ये क्रोशिया आपको ऑस्ट्रिया से नीचे की तरफ मिल जाएगा। तो क्रोशिया, जी हाँ, इसकी फुटबॉल टीम काफ़ी फेमस है क्रोशिया की। और क्रोशिया से बॉर्डर टच कर तो आपको हंगरी मिल जाएगा, जिसका कैपिटल बुदापेस्ट है। तो इस तरीके से आपने लगभग मेजर कंट्रीज़ यूरोप की
कुछ मिनट में बिल्कुल आसान तरीके से आपने याद कर लिया है।